तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक ऐप के अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी में आपको सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर का सपोर्ट मिलता है, जिसके अंदर आप सैमसंग गैलेक्सी के ब्राउजर में बहुत सारे एड ऑन फीचर्स को यूज कर सकते हैं। तो उसी के साथ एक और सैमसंग का ब्राउजर होता है, सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर बीटा, जिसके अंदर जो कि नॉर्मल ब्राउजर में अपडेट या फीचर्स आने से पहले उसमें बीटा वाले वर्जन में पहले फीचर्स आ जाते हैं। तो ऐसे ही एक नए अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर के बीटा वर्जन के, जिसके अंदर क्या नए नए फीचर एड ऑन किए गए सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों जैसा कि होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर बीटा वर्जन के अंदर कमाल के एक नए अपडेट के नए अपडेट के साथ कमाल के नए फीचर्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है आप सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पे, गैलेक्सी स्टोर पे जाने के बाद देन आपको वहाँ पर अपडेट्स वाले सेक्शन में चले जाना है। जैसे ही आप अपडेट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर करके, जो कि अभी रिसेंटली ही रोल आउट किया गया है। यह आपको यहाँ पर अपडेट या अपडेट आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इस अपडेट को रोल आउट किया गया है 24 अप्रैल 2024 को, जिसका वर्जन नंबर है 26.00.19, इसका साइज है 146 MB का। अब बात करें इसके नए अपडेट्स की, नए फीचर्स की, तो पहले मैं कर लेता हूँ अपडेट। यहाँ पर नए फीचर दिए गए हैं सपोर्ट टू स्क्रीनशॉट इन स्क्रीन सीक्रेट मोड, कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीन मोड में, जो कि पहले आप नहीं ले सकते थे। अब वहाँ पर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दे दिया गया है और साथ में कुछ बक्सेस एंड इम्प्रूवमेंट कर दिए गए। तो सबसे पहले बता दूँ, ये जो बीटा वर्जन वाला ऐप होता है, कुछ लोगों को नहीं पता हो, तो बीटा वर्जन ऐप होता है एक टेस्टिंग वर्जन का ऐप होता है, जिसके अंदर जैसे कि नॉर्मल सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर है वो प्री इंस्टॉल होता है, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसमें जो फीचर आएंगे उससे पहले पहले फीचर इसमें आएंगे, इसमें टेस्टिंग होंगे, उसके बाद वो फीचर उसमें एड ऑन होते हैं। तो जो भी नया फीचर पहले आते हैं पहले इसमें आपको दिखते हैं, तो इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट कर हो सकता है इसमें कुछ बक्सेस भी रहते हैं, है ना, तो आपको इसको पहले तो अपडेट कर लेना है। अपडेट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस नए फीचर्स को यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करें मेन फीचर की, वो तो यही है सपोर्ट स्क्रीन शॉट इन सीक्रेट मोड, मतलब कि अगर सीक्रेट मोड पर अगर आप कोई टैब को खोलते हैं या कोई ब्राउजिंग करते हैं या कोई सफरिंग करते हैं तो वहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे, जो कि पहले नहीं मिलता था। उसके बाद ओवरऑल उसके बग्स इंप्रूवमेंट एंड स्टेबिलिटी, तो बग्स को इंप्रूवमेंट की गई है, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम थी चलने में या सिक्योरिटी में या कुछ एनी अदर बक्सेस से, उसको यहाँ पर फिक्स आउट कर दिया गया है। तो उसको आपको अपडेट करना चाहिए अगर आप यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं परमानेंट यूज़ करता हूँ तो मैं तो डेफिनेटली इसको अपडेट भी करूँगा और आपको आगे यूज़ भी बताऊँगा। तो एक मिनट होने देते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद मैंने कर लेता हूँ इसको ओपन। ओपन करने के बाद ये आपको ले जाएगा यहाँ पर स्क्रीन पे, सैंपल आप स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो सिंपल जैसे ही आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो ये आपको इस स्क्रीन पे ले आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्या गया है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिक्योर मोड पे, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैंने टर्न ऑन सिक्योर मोड पे किया। सिक्योर मोड पे आने के बाद लाइक मैंने यहाँ पर एक ब्राउजिंग करी सिंपल सी, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख के यहाँ पर सर्च मार लिया। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख के सर्च मार लिया और मुझे इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है। तो पहले अगर मैं स्क्रीनशॉट लेता था ना वहाँ पर डिनाई हो जाता था। अब यहाँ पर अभी क्या बोल रहा है अभी देखें। तो अभी भी ये स्क्रीनशॉट नहीं लेने दे रहा, आप देख सकते हैं अभी भी स्क्रीनशॉट नहीं लेने दे रहा। तो सर जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो अपडेट्स होता है बीटा वर्जन पे ये टेस्टिंग होता है, भाई ये फीचर यहाँ पर मिलना चाहिए था पर ये फीचर यहाँ पर काम नहीं कर रहा। जब भी मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ तो यहाँ पर अभी भी एरर दे रहा है। यहाँ पर आपको सिक्योर मोड के अंदर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बट इसमें एक ऑप्शन या बोल सकते हैं एक फीचर एड ऑन कर दिया गया है। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ थ्री डॉट्स पर जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको जाना है यहाँ सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ नीचे की तरफ यूजफुल फीचर में, और यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन दे दिया गया है, एक नया ऐड शॉर्टकट ऐड सर्च विजार्ड टू होम स्क्रीन, जो कि पहले नहीं आता था। अब यहाँ पर आपको एक सर्च विजार्ड का ऑप्शन दे दिया है, आप यहाँ पर सर्च विजार्ड कर सकते हैं। और जो स्क्रीनशॉट वाला फीचर है वो यहाँ पर सेटिंग में काम कर रहा है, मतलब अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हैं ब्राउजिंग में नहीं ले रहा है, अगर सेटिंग वेटिंग्स खोल के आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो वहाँ पर वो चल रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ पर ले लिया और इसको ऐड करूँगा और ये यहाँ पर ऐड ऑन हो चुका है। अब इसको भी आप ऐड ऑन करके यूज़ कर पाएंगे अपने सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर की तरह। ब्राउजिंग करना है सिंपल, आप यहाँ पर सर्च करेंगे, आप यहाँ पर गूगल सर्च की तरह यहाँ पर कुछ भी आप सर्च आउट कर सकते हैं, तो ये पूरा आपको वहीं पर ले जाएगा। तो ये एक नया फीचर इसमें ऐड ऑन किया गया है, स्क्रीनशॉट वाला फीचर जो मेन ब्राउजिंग में काम नहीं कर रहा है, बट वहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर की तो वहाँ पर आप वो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यही नए फीचर्स थे और बाकी ओवरऑल उसमें
बग्स को फिक्स आउट किया गया है। इसके अलावा एक फीचर और है, अगर आप ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं तो आपको ट्रांसलेटर का सपोर्ट दे दिया गया है। एडोन में जाएंगे तो आप यहाँ पर ट्रांसलेटर का यूज़ करके ट्रांसलेटर को भी यूज़ कर पाएंगे। तो यही नया अपडेट था सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र की तरह जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी नई अपडेट सब तक पहुँच सके। व्हाट्सएप पर ही मेरे चैनल को फॉलो कर लेना ताकि फटाफट आपको अपडेट मिल पाए। तो थैंक यू सो मच।